हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आशी ऑटो पार्ट्स यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बैरिंग्स दोस्तों स्प्लेंडर प्लस बाइक के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। और किसी भी बाइक की स्पेयर पार्ट परचेज करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके स्पेयर पार्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आफ्टर मार्केट में बात करें तो SCH ब्रांड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है बैरिंग्स के अंदर। दोस्तों, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैरिंग होते हैं किसी भी बाइक के लिए। और दोस्तों, आज हम स्प्लेंडर प्लस बाइक के बैरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है दोस्तों स्प्लेंडर प्लस बाइक का फ्रंट और रियर दोनों में लगने वाला बैरिंग, जो कि दोस्तों है 6301 नंबर का बैरिंग। इसे दोस्तों हम 6301 नंबर बैरिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, आइए इसकी मैं पॉलीथिन के ऊपर मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको SCH बैरिंग्स लिखा देखने को मिल जाएगा और नीचे IATF 16949 2016 लिखा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, नीचे की तरफ आपको हुनाची ग्रुप लिखा देखने को मिल जाएगा। आइए दोस्तों, इसके मैं पैकेट को ओपन करके आपको अंदर से भी बैरिंग को निकाल के दिखा देता हूं। दोस्तों, पैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 6301 6301 नंबर का बैरिंग, कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेसी वाले प्रोडक्ट आने लगे हैं ये SCH बैरिंग के अंदर। दोस्तों, ये देखिए, सबसे दोस्तों मेन चीज़ बैरिंग में ये होती है दोस्तों, ये लास्ट वाली जो लेयर दिख रही है इस दोस्तों हम कॉलर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जितनी ज़्यादा थिक होगी, जितनी ज़्यादा मोटी होगी, उतना बैरिंग दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, उतना अच्छा बैरिंग ये होगा। और दोस्तों, ये 100% जेन्युइन SCH का बैरिंग है। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें देखिए 6301 2RS हमें लिखा देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये वाला जो बैरिंग है स्प्लेंडर के दोनों फ्रंट बैरिंग और दोनों रियर बैरिंग यही वाले डलते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी डलवाने जाएं तो आप डायरेक्ट उनसे बोल सकते हैं कि 6301 नंबर का बैरिंग हमें दे दीजिए। तो आप इसे घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी भी आपको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आप कैसे इस बैरिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं घर पे ही। और यहाँ पर ऊपर हमें SCH की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें Y14 लिखा देखने को मिल जाएगा, कैमरा नोटिस कर पा रहा हो तो। और दोस्तों, बैक साइड में हम बात करें तो बैक साइड में 6301 Y14 SCH हमें यही चीज़ लिखा देखने को मिल जाएगा। आई दोस्तों, ये ऊपर की ये ब्लैक वाली मैं हटा के आपको दिखाता हूँ इसमें कितने बॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैंने ऊपर की रबर को हटा दिया है। और दोस्तों देखिए, इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, ये ओरिजिनल बैरिंग की पहचान है। SCH के ओरिजिनल बैरिंग में आपको दोस्तों 7 बॉल्स देखने को मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, जो इसकी डुप्लीकेसी होती है उसमें आपको 6 बॉल्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ओरिजिनल की पहचान ही है। और दोस्तों, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा ओरिजिनल और डुप्लीकेसी के बारे में, ये दोस्तों सिर्फ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी टाइप के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी तरह के बाइक के स्पेयर पार्ट्स लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके स्पेयर पार्ट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये आपको 60 से 70 रुपीज़ के आसपास ओरिजिनल वाला बैरिंग देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, कोई डुप्लीकेट होगा तो आपको 50 रुपीज़ में भी ये बैरिंग दे देगा। पर दोस्तों, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और मैंने आपको पहचान बता ही दी है कि आप कैसे ओरिजिनल की पहचान कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सेम हीरो की क्वालिटी का ही बैरिंग होता है। दोस्तों, जो हीरो का बैरिंग होता है वो आपको 100 से 105 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों आपको 60 रुपए में देखने को मिल जाएगा, हमारे पास से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स आपको परचेज करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।